हाँ जी किवें आ जी सारे, उम्मीद करा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोंगे। तुहाडा सारिआं स्वागत है अज्ज दे नवें ब्लॉग च। जे चैनल ते पहली वारी आए तां मेक श्योर तुसीं चैनल नूं कर लो सबसक्राइब। ते चलो शुरू करदे आपां अज्ज दा ब्लॉग। ते अज्ज दी वीडियो च मैं तुहानूं दस्सांगा किवें आया सी मेरा वीज़ा। जस्ट 12 दिनां च, 10 तों 12 दिन च आ गया सीगा। ते मैं तुहानूं दस्सदा सारी डिटेल च। पहलां ते गल करदे आपां प्लस टू दे पेपर मेरे खत्म हुंदे आ, ठीक आ। मेरे पेपर खत्म हो गए सीगे अपने 13 जून नूं खत्म हो गए सी। ते पेपर खत्म होण तों बाद मैं नाल ही लग गया सी, ठीक आ। ते मैं महीना गलाया आलस नूं, नाल ही पेपर भरता सी, ठीक आ। ते पेपर भरन तों बाद मैनूं 10 दिन बाद पेपर दी तरीक मिली। ते मैं पेपर देता आलस दा, ठीक आ। ते उहदा रिजल्ट आउणा सी 5 अगस्त नूं। ते रिजल्ट आउण नहीं सी दिया, मैं टेंशन बहुत लैंदा सी। तो मैंने घरदिआं ने कहता तू गुरुद्वारे जा ते मत्था टेक ते आजूगा तेरा, है ना। मैं गुरुद्वारे गया मत्था टेकन, ते गुरुद्वारे तो बाहर निकलिया मत्था टेक के, बूहा खोले ही हजे। ते मेरे फोन ते नोटिफिकेशन आई एक, मैं कहा पता नहीं कादी आ। ते मैं देखिया नोटिफिकेशन, तो उत्ते मेरा रिजल्ट आया सी। ते मैं आइलस क्लीयर कर ली, मेरे बैंड आ गए सी। ते मैं फटाफट भज्जा घर नूं गया, बड़ी खुशी हुई। मैं कहा चल बैंड आ गए आ, है ना, हुण अगों काम सारा शुरू होगा, सारा प्रोसैस शुरू होगा। तो चलो आप इदी करते करवाते शुरू किया काम वगैरह। तो 12 तरीक मेरा ऑफर लैटर अपलाई होया। मैं 2 कॉलेज किया, एक सी हंबर कॉलेज, दूजा सी कैनाडोर कॉलेज। कैनाडोर कॉलेज इसलिए किया क्योंकि घर के बिल्कुल नाल आ कॉलेज, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा ही पैंदा सानू, तुर के 1.5 घंटा लगता हूँ सी, ठीक है। तो हंबर बाकी वधिया कॉलेज आ, वह भी कोल ही पैंदा, ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे लगता बस तो, ठीक है। तो इस तो बाद 12 तरीक नूं लगा आ। तो उस तो पूरे 2 महीने बाद मेरा आ जांदा आ जी कॉलेज वाले, एक मेल आउंदी आ भी तुहाडा असी डैफर करता आ तुहानूं सितंबर कह रहे हैं, जैन इनटेक नहीं मिलना, ठीक है। तो मैं बड़ा उदास होया, मैं कहा यार जैन इनटेक निकल गया, 2 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो गए आ, पता नहीं मैं मिलूगा या नहीं, की चक्कर आ। उन्हां दी एक्चुअली सीट्स फुल हो गई सी। तो चलो दुख तो होंदा ही आ, बंदे दा टाइम खराब होंदा है इदां। तो बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरा। उस तो पूरे 1 महीने बाद असी अगे करता सी अप्लाई मेल ही, 1 महीने बाद आ गया सीगा। 10 तरीक नूं आया सी, 10 नवंबर नूं आया, जाने कि पूरे 3 महीने टोटल लग गए सी मेरा ऑफर लैटर आउंदे आउंदे। तो चलो ऑफर लैटर आया, बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो ऑफर लैटर तो बाद आप चलो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, तो अपनी मैडिकल की डेट ली। 10 दिन बाद मैडिकल की डेट सी, मैडिकल की डेट आप 21 तरीक नूं सी, 21 नवंबर नूं सी मैडिकल। तो मैडिकल करवाया, तो मैडिकल दे गए उत्थे आ के अंदर पता लगा कि पहला ही 6800 रुपया फीस सी मैडिकल की। तो बाद च पता लगा कि 3100 एक्सट्रा लगना आ, वह 3100 सी क्योंकि मैं बनाया सी टैटू। तो मैनू पता नहीं सी कि टैटू की फीस लगती है, बाद चो 3100 रुपया एक्सट्रा मैं टैटू का दिता। तो चलो वह भी कर करवाद हो गया, क्लीयर हो गया। 1 मिनट आप क्रॉस कर ली माड़ा रोड में, हाँ जी। तो 3100 रुपया उत्थे लगा, तो टोटल 9000 लग गया सी अपना। तो चलो मैडिकल भी वधिया हो गया अपना, है ना। उस तो बाद फिर डेट मिली आपां नूं, बायोमैट्रिक्स की डेट सी, आप करता अपलाई, है ना। तो आप डेट मिल गई बायोमैट्रिक्स की। बायोमैट्रिक्स की डेट भी आपां नूं जाने कि महीने के बाद मिली ही, 28 तरीक की मिली, 28 दिसंबर की। तो 20 दिसंबर तो फाइल लगी सी अजे, ठीक है। तो 28 मिली सी आपां नूं बायोमैट्रिक्स की डेट, ठीक है। तो चलो बायोमैट्रिक्स भी वधिया हो गया, सब ओके सी। तो फिर ना उदो नवा साल आ गया सी, है ना। फिर ऑफिस वगैरह च छुट्टियां हो गई, बंद सी नवे साल से ऑफिस से छुट्टी होंगी उन्होंने जेडे काम करते उसे तुम पता। मैनू सी मैं क्या हूँ पता नहीं कदों वीजा आऊगा, मैं सोच के बैठा सी, मैं क्या महीना दे प्लस लगूगा ही, 2-3 महीने च आजूगा। तो बट चलो फाइल अपनी वधिया सी, सब तो मेन पॉइंट ये अपनी फाइल एकदम वधिया सी। आप एक एक डॉक्यूमेंट लाया जो जो अपने एजेंट ने की। सब तो वड्डी गल हुंदी यार वधिया एजेंट लभना, तो उहदे ते ट्रस्ट करना, ठीक है। असीं उहदे ते ट्रस्ट कीता, उहने जिद्दां जिद्दां सानूं कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लीयर सी, नंबर अपने प्लस टू जो वधिया सी, 10th दे वधिया सी,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਐਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਜੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਬਟ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਹੀ ਸਾਰੇ 12 ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, 12 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਨੀ ਸਸਤੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਲੋ ਆ, ਫਾਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣ, ਰੀਜਨਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਲੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਾਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, 100% ਸ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 12 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। SOP ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।